आत्मप्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हम हरियाणा के एक एक विधानसभा में जा रहे हैं और वहाँ की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। आपको पहले हम लाडवा लेकर गए, थानेसर लेकर गए, रादौर लेकर गए और आज हम खड़े हैं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जो हॉट सीट बनी हुई है। और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पर राजनीतिक पारा भी बहुत आगे जा रहा है सभी पार्टी के उम्मीदवार। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ से कौन, किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर दोबारा से फिर ज्ञानचंद गुप्ता जी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से चंद्र मोहन जी खड़े हैं और INLD से वरुण खड़े हैं, वरुण चौधरी खड़े हैं और आम आदमी पार्टी से खड़े हैं दत्त साहब, जुगेश्वर दत्त साहब। और हम देखते हैं कि लोगों के व्यूज़ क्या हैं, यहाँ पर लोग इस इलेक्शन को किस दृष्टि से देखते हैं। और सबसे पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं ये टोटली ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है। ये टोटली उन लोगों को जिन्होंने वोटें डालनी है, उनके व्यूज़ है, वो किस कैंडिडेट्स को अपना समर्थन करेंगे, ये हम लोगों के बीच में आकर हम बताएंगे। और नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम क्या है जी? राकेश अरोड़ा जी। अरोड़ा जी, यहाँ पर आपके यहाँ पर कैंडिडेट्स खड़े हैं, हर कैंडिडेट्स यहाँ पर आ रहा है और आकर अपनी बातें बता रहे हैं, उपलब्धियाँ बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके इस क्षेत्र के अंदर बरवाला के अंदर हम यहाँ पर खड़े हैं तो क्या वेव लगती है आपको? ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी के कारण जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी सीट निकाल जाएंगे, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं। क्या कारण है? उन्होंने कुछ काम भी किया है, ऐसी बात नहीं, बरवाला के लिए काम भी किया है, कोई प्रकाश व्यवस्था सुधारी है, कुछ सड़कों की व्यवस्था सुधारी है, इसलिए वो सीट निकाल ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं। तो अपने आप जो MLA हैं आपके यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता जी को 10 में से कितने नंबर दोगे? 8। तो देखो, अरोड़ा जी ने सबसे पहले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिलाया और विश्वास ये सोच के दिलवाया कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। अब हम आगे चलते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार जैन। राजेंद्र कुमार जैन साहब, यहाँ पर जो इस वक्त राजनीतिक पारा चरम सीमा पर चला हुआ है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या वेव है? ज्ञानचंद गुप्ता जी जीतेंगे जी यहाँ से। क्यों ज्ञानचंद गुप्ता जी जीतेंगे? एक तो मोदी जी ने धारा 370 खत्म करी। अच्छा जी। और बरवाड़े के काम बहुत करे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप अपने MLA को 10 में कितने नंबर दोगे? 9 नंबर। 9 नंबर, देखा जैन साहब ने भी 9 नंबर कह दिया। अब आगे चलते हैं। बेटे, आपकी वोट बनी हुई है? पहले बताइए। नहीं। अच्छा, चलो नमस्कार। आपका क्या नाम है? ओमदी राणा जी। ओमदी राणा जी। अच्छा, नमस्कार राणा साहब, नमस्कार। सबसे पहले बताइए यहाँ पर क्या लगता है आपको? आपने आपके व्यक्तिगत विचार पूछना चाहते हैं, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है वो बताइए और निष्पक्ष होकर बताइए, निधड़ले से बताइए। गुप्ता जीतता जी, बीजेपी जीतता है यहाँ पे। बीजेपी जीतेगी? बीजेपी क्यों जीतेगी? काम थोड़े करे जी, नहीं देख जाएगा। अच्छा जी। हर गाँव काम करे, सड़क करे, जाड़ अभिषेक कर दिए। अच्छा, दूसरे लीडर भी आ रहे हैं आपके, चंद्र मोहन जी भी आ रहे हैं, बाकी लीडर भी, उनका क्या लगता है? कोई नहीं जी सकता है। चलो कोई नहीं, नमस्कार। गुप्ता जीतेंगे। अब आप बताइए आपका नाम क्या है? बरखाराम एक्स आर्मी। अच्छा बरखाराम जी, आप आर्मी से हो, एक्स आर्मी आपने कहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या? यहाँ जी बीजेपी जीतेगी जी, विकास कार्य बहुत किए, प्रधानमंत्री 370 हटाई और नीचे बहुत विकास कार्य हुई, बहुत काम हुआ। अच्छा, विकास को वोट दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा कि आपने जो लोग हैं वो विकास को वोट दे रहे हैं। और आप अपने MLA को 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 दूंगा जी। देखो ये आर्मी पर्सन भी ये कह रहे हैं कि हम 10 में से 10 देंगे। अब आगे चलते हैं, जैसे देखते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? सुधीर जी। सुधीर जी, आपका गांव? बरवाला जी। प्रॉपर बरवाला। तो यहाँ पर जो आज माहौल चल रहे हैं इलेक्शंस के, उसमें क्या लगता है आपको? ज्ञानचंद गुप्ता जी से सभी ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे हैं, क्या कारण है? विकास कराया जी। क्या बाकी पहले विकास नहीं हुआ था? नहीं, पहला कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 जी। इन्होंने 10 में 10 नंबर। हाँ नमस्कार जी। मोदी जी ने बहुत काम करे आज, मोदी के कारण सारे माहौल बीजेपी की चल रही है। तो इन्होंने, राणा जी ने ये कहा कि मोदी जी ने काम बहुत किया है और मोदी के कारण ही, मोदी वेव जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर बरवाला में चल रही है। आपने देखा होगा जितने हम कैंडिडेट्स को कहा है और हमने इनको बार बार ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप निष्पक्ष होकर अपनी अंतरात्मा देखते हुए, अंतरात्मा की आवाज़ है वो निष्पक्ष हो, निधड़ले से बताइए। आपने देखा इन्होंने जो बताया अभी तक, ये सब ज्ञानचंद गुप्ता जी को कह रहे हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है बेटे? लखविंदर सिंह जी। लखविंदर जी, आपका गाँव कौन सा है? बरवाला। बरवाला, प्रॉपर बरवाला हो। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ विकास हुए हैं जी, एक्चुअली पिछले 30 साल में ये फिरनी नहीं बनी थी सर बरवाला की। अच्छा, तो ये गुप्ता जी के राज में बनी एक तो। अच्छा। और भी बहुत सारे नालियों का निर्माण, नालों के ऊपर चैनल वगैरह सरपंच की देखरेख में, यानी उनका अच्छा तालमेल है। जब नीचे बस स्टैंड बनाया, अच्छा पार्क बनाया, उसके बाद जहाँ भी जगह बेकार पड़ी थी, जहाँ भी लोग गंदगी गिरते थे,
वो जगह यहाँ से बिल्कुल क्लीन करवा दी। अच्छा अच्छा, जो यहाँ पर हम खड़े इस जगह को क्या कह रहे हैं? ये तालाब, प्राचीन तालाब जी। क्या इस तरह आपकी भी कोई डेवलपमेंट? बिल्कुल हुई है सर। देखो मंदिर, जरा कैमरा इधर दिखाना, चले लोग शाम को जी लैटरिन करते थे। अच्छा, यहाँ इतनी गंदगी थी, भरमार थी गंदगी। कम्युनिटी सेंटर बना है ये, और हमारे फायदे के लिए ये। अच्छा, इसके लिए जो ये ज्ञानचंद गुप्ता जी है कर्मठ और बड़े मेहनती हैं, इसलिए इनको वोट जाएगा इनको यहाँ से। अच्छा, ये सीट इन्हीं को जाएगी क्योंकि यहाँ पे विकास कार्य हुए बरवाला में, जो पिछले 30 सालों का दिखा दो, दूसरी पार्टियां भी आई है यहाँ तो उनका कोई विकास कार्य यहाँ बरवाला में नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट की कोई काम कहते हैं तो वो होता है, ठीक है जी। और जो भी जगह मैंने आपको बताई, जो इतनी भी जगह खाली पड़ी थी बरवाड़ा में, सबसे बड़ा गंदगी का प्लेटफॉर्म मिल गया। अच्छा, कि सबको वहाँ कूड़ा वहाँ डालना है। अच्छा, सफाई स्वच्छता अभियान के तहत। अच्छा, तो इसलिए गुप्ता जी को वोट जाएगी यहाँ से। तो अब अच्छा, अब आगे चलते हैं। नमस्कार बुजुर्गों जी, नमस्कार। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? करम सिंह जी। करम सिंह जी, पहले कैमरा की तरफ देखिए आप थोड़ा सा। अच्छा, क्या लगता है आपको करम सिंह जी यहाँ? ठीक है जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी है। बाकी और कैंडिडेट्स खड़े हैं? विकास सबको ठीक रहा जी, इन्होंने पहले किसी ने नहीं कुछ कराया ये। तो देखो आपने, ये बुजुर्ग लोग भी ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं हमें विकास दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा के बाकी विपक्ष को नहीं दिख रहा विकास, लेकिन यहाँ की आम जनता को विकास दिख रहा है। और अपने विकास के साथ उन्होंने हमें तथ्य भी बताए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वेव है, वो वेव क्यों है उन्होंने ये बताया। हमारे कैमरामैन मनदीप जी ने भी शॉर्ट दिखाए आपको कि यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट हुई है। तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? हरदीप सिंह जी। हरदीप सिंह जी, आपका गांव? बरवाला जी। प्रॉपर बरवाला के हो, तो नेचुरल है कि आपका जन्म स्थान भी यहाँ पर, बचपन भी यहाँ पर बीता होगा, आपने बरवाला देखा होगा ना। तो ये बताइए कि ए, क्या वेव है? पहले वेव क्या बताइए? वेव यहाँ से चंद्रमोहन जी जीतेंगे। चंद्रमोहन जी जीतेंगे। देखिए पहले शख्स हैं जो अपने जो ये कह रहे हैं कि ये चंद्रमोहन जी जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए कि चंद्रमोहन जी क्यों जीतेंगे यहाँ से? चंद्रमोहन जी ने यहाँ बहुत विकास किया है जी। विकास तो ये सभी, ये बता रहा हूँ मैं आपको, कॉलेज स्कूल उन्होंने बनवाया, अस्पताल उन्होंने बनवाया। ज्ञानचंद जी आए यहाँ से, तहसील वहाँ ले गए। अब यहाँ से लोग जो बस में आते हैं, जिन पर साधन नहीं है वो वहाँ जाते हैं, पैदल जाते हैं, उनको कोई साधन नहीं मिलता है। बतौड़ हो गया अब तहसील, यहाँ से कोई 4 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, इसलिए तो ये दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। तो क्या, तो क्या यहाँ के लोगों ने ये दिक्कतें अपने एमएल, मौजूदा एमएलए को बताया जी? उन्होंने जातिवाद फैला दिया जी, इन्होंने जातिवाद फैला दिया बहुत। तो क्या लगता है कि जो यह वेव बन रही है वो उसको आप क्या कह रहे हो कि जो भारतीय जनता पार्टी वेव बन रही है तो उसको जातिवाद के कारण? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह जी। हरदीप सिंह जी ने देखो अपने दिल के विचार, हमें बहुत अच्छा लगा कि हरदीप सिंह जी ने सबसे पहले अपने दिल के विचार बताए, निष्पक्ष होकर बताए। और हमारा भी मीडिया अर्थ प्रकाश का भी गांव है ना। हाँ जी, इसमें बहुत वोट है, ये सब वोट ज्ञानचंद जी के इसलिए वोटा है कि इन्होंने जातिवाद फैला दिया ज्यादा। तो गाँव कौन सा आपका? बरवाला ही है जी, प्रॉपर बरवाला का। और देखिए सबसे बड़ी बात है, हमें भी अच्छा लगता है कि और अर्थ प्रकाश हमारे चैनल की भी यही खासियत रहती है, यही हमारी मेहनत रहती है कि हम अब निष्पक्ष बात बताएं। और जो बात इन्होंने, हरदीप जी ने बताई है, हमें खुद अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा। कम से कम उन्होंने हमारे चैनल के आगे अपने दिल की बात तो बताई है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे कौन रह गए हैं? हाँ जी, हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। ऊंची बोल बेटे। गौरव। गौरव। गौरव, गाँव कौन सा तुम्हारा? बरवाला। बरवाला बेटे, क्या यहाँ पर वेव है? यहाँ पे भी जो ये ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, इन्होंने मतलब काम तो कराए हैं काम के, लेकिन इन्होंने जातिवाद के जो इन्होंने बोला है, इन्होंने सही बोला है कि जातिवाद पे ज़्यादा इन्होंने वो किया है कि अपने ही कास्ट पे सब कुछ किया, मतलब फोक्स किया, मतलब जो राजपूतों के लिए जो पीछे धर्मशाला बनी है इस पे। इधर आ जाओ आप। मैं बताता हूँ आपको, इस पे जब ये बनने से पहले ये राजपूत के नाम से ही इसका सब कुछ किया गया था। अच्छा, राजपूत के नाम से नहीं, नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि जातिवाद, हमें ये प्रमाण कोई सबूत भी दीजिए कि वाकई ऐसा हुआ। मैं बताता हूँ आपको प्रमाण का, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इसका मुहूर्त हुआ था, उसके बाद किसी ने सरकारी तत्व ने इसके मतलब मिटाओ को कर दिया कि इस किस चीज का, ये सामुदायिक केंद्र को मिटा के राजपूत धर्मशाला लिख दिया था किसी ने। अच्छा। इसका नहीं मालूम, मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो सरपंच है वो भी बाणिया है, और जो ज्ञानचंद गुप्ता जी के कहने से मतलब यहाँ पे बिना बात से मेरे पे खुद FIR हमारे खिलाफ हुई है 3-4 लड़कों के। अच्छा, अच्छा। जिसमें जिस डेट में मैं यहाँ पे है भी नहीं था तब भी इन्होंने मेरे खिलाफ FIR कराई है। अच्छा। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने। अच्छा। और राजपूतों के लिए तो मतलब इन्होंने बिल्कुल ही ऐसा कर दिया था कि कोई भी लड़का अगर यहाँ पे, वहाँ पे देखो कैमरा लगा हुआ, अगर वहाँ पे वैसे भी कोई लड़का बैठा होगा तब भी उसके खिलाफ भी ये बोल रहा होगा कि उसको उठाओ और अंदर कर दो।
क्यों क्यों ऐसे लग रहा कि ये तो वो जानते हैं कि जातिवाद के मतलब जो यहाँ का सरपंच है वो भी मतलब बानिया है, मतलब उसके राइट में ही ये सारे काम हो रहे हैं, नहीं तो काम की हम नहीं बोल, मतलब ये जातिवाद ज़्यादा फैलाया इन्होंने, इसलिए अब की बार मतलब बिल्कुल ही। तो क्या लगता है, आपने जैसे कहा कि जातिवाद फैलाया इस एरिया में, तो आपको क्या लगता है कि जनता उन्हीं पर विश्वास नहीं, करेगी? नहीं 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 नहीं, विश्वास नहीं करेगी, बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी अब की बार तो बिल्कुल ही उनका। आप भी देख रहे हो और जनता भी, हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी पता ही चल रहा है। हम तो देखेंगे, हम तो मीडिया में हम तो देखेंगे, जो जनता ने फैसला करना लीड, देखो ऐसे है ना, फैसला लीडर जीतना लीडर ने है, वोटें आपने डालनी है, मीडिया तो देखेगा ही, ठीक है ना, वो क्या दिखाओगे जनता इस बार वो पूछा जाता है। अब की बार इसको मतलब अच्छी हार दिखाएंगे, इसको मतलब इसको दिखाएंगे कि कैसे जातिवाद को फैलाया जाता है और जातिवाद में कितना बड़ा होता है। तो क्या लगता है इसकी जगह कौन आएगा? चंद्रमोहन आएगा, चंद्रमोहन। इन्होंने भी चंद्रमोहन जी के ऊपर मोहर लगाई है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, हमने यहाँ पर डिस्कशन की लोगों के, लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से सुझाव दिए, अपने अपने दिक्कतें बताई, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम दूसरे कैंडिडेट को बदेंगे। अब जातिवाद का मुद्दा यहाँ पर बहुत उभरा है यहाँ पर, तो हम इन्होंने ये ब्लेम लगाया, अब ये किस तरीके से डिफेंड करेंगे आप इनसे पूछते हैं। हाँ जी बताइए। ये जो कम्युनिटी सेंटर है सर, ये पिछली जो प्लान था सरपंच का उसमें ये पास हुआ था, बाउंड्री हुई थी पिछले मीना देवी सरपंच के उससे सर, इसके बाद वो रहे नहीं, यानी कि है सरपंची इधर आ गई जो है, इसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके ऊपर किसने लिखा, महाराणा प्रताप लिख दिया बिना परमिशन के, जबकि प्रशासन की परमिशन जरूरी होती है। सच्चाई क्या है, सरकारी है ये? सरकारी है सर, सरकार की, जिसने बनवाया उनसे परमिशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? जातिवाद ठीक है फैलाया, उसका भी मुद्दा बताएंगे। इसके ऊपर महाराणा प्रताप भवन लिखा गया, लेकिन वो किसने लिखा ये नहीं पता, लिख दिया 6 महीने लिखा रहा। उसके बाद डीसी साहब आए, एमएलए साहब आए, कटारिया जी आए, उन्होंने यहाँ पे इसका उदाहरण समुदाय केंद्र के नाम से इसको दिया, तो राजपूतों के खिलाफ कि महाराणा प्रताप, उसको मिटा दिया, यानी कि जब वो बिना परमिशन के लिखा गया था तभी तो मिटाया, अब ये परमिशन के साथ लिखा गया है, अब ये मिटाने की कोशिश की, तो उनके जो भी उन्होंने किया FIR हुई, उन्होंने किया नहीं किया वो कोर्ट फैसला करेगी, ठीक है जी। अब इसके बाद जातिवाद का ये हो गया, आज से पहले सारे राजपूत जब ये महाराणा प्रताप गुप्ता जी के साथ थे, अंडरस्टूड सी बात है, ये गुप्ता जी के साथ ही थे, क्या अब नहीं है? अब इसकी वजह से नहीं है, मान लो जो है कुछ राजपूत हैं, ऐसी बात नहीं है बरवाला के अंदर, आप आपका भी पक्ष रखेंगे बेटे, ऐसे नहीं है, देखो हम तो दोनों जब उनको बोला गया था कि ये राजपूत के नाम से जब शुरू में रखा है तो इसका राजपूत मतलब महाराणा प्रताप के नाम से क्यों नहीं रखा गया, जब यहाँ पे सब सब जाति की धर्मशाला है, यहाँ पे सब जाति, यहाँ पे मेरे अपने राजपूत, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, सारे राजपूत भाइयों जब कहाँ थे, ताऊ जी हैं मेरे, उन्होंने यहाँ पे तब तो कोई, तब तो ये ज्ञानचंद गुप्ता जी भी थे, तब तो ज्ञानचंद गुप्ता, चलो मानते हैं, चलो अब ये ज्ञानचंद गुप्ता जी को सबसे पहले यही बात बोल लेंगे, हमारे राजपूत है जो यहाँ पे सबसे आगे में है, जो मतलब उनको चाहे मंत्री लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, तब तो वो मतलब आगे में थे कि हम कराएंगे, जब इतना कुछ हो गया अब आज वो पीछे में है, जब कोई वो कोई सभा होती है जनसभा तब वो आगे में। आप ये बताइए कि आपने ये कहा कि जातिवाद की बात की ना आपने, अभी अभी बात की ना जातिवाद की, जातिवाद फैलाया है, तो आप ये बताइए कि जातिवाद, तो अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राणा साहब को टिकट दिया नारायणगढ़ से, हाँ जी दिए है ना, इसका मतलब जातिवाद पार्टी ने फैलाया कि पर्टिकुलर MLA पार्टी ने नहीं बुलाया, पार्टी को क्यों बोले कि पार्टी ने बुलाया फैलाया, जो ये पार्टी ने टिकट दिया नारायणगढ़ से, राणा जी को टिकट दिया पार्टी, पार्टी को हम नहीं कह रहे, पार्टी पार्टी ने कोई जातिवाद नहीं फैलाया, जो जातिवाद फैलाया इन्होंने फैलाया, जो मतलब यहाँ के कैंडिडेट हैं, ठीक है, इन्होंने जातिवाद फैलाया और इनकी वजह से ही यहाँ पे आज जो हालात है इनके, मतलब लोगों के बरखिलाफ हो रहे हैं, वो इनके ही अपने कामों के कारण हो रहे हैं, नहीं इसका कोई वो नहीं है, नहीं तो सबको कैंडिडेट चाहिए, या पहले थे अब की बार हो जाते। और जो मेन मकसद है इसका, जो राजपूत मतलब आप अभी तो यहाँ पे आप अंदर भी जाओगे गाँव में, वहाँ पर भी आपको यही चीज़ मिलेगी। तो देखिए कि यहाँ पर जो मेन मुद्दा उभर कर आया है जातिवाद का है, तो इन्होंने दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा है, ऐलान किया है अभी तोड़ में, क्या ऐलान किया है कि जो चौक बनेगा वो महाराणा प्रताप के नाम से, हाँ इन्होंने अभी बात की, गुप्ता जी ने अभी अनाउंस किया कि हाँ है जी, 2 साल पहले भी इन्होंने अनाउंस किया था ये कि यहाँ पे, अभी देखो 2 साल पहले किया था जी, पता नहीं वो 2 साल पहले किया था, ठीक है, अब उन्होंने वहाँ पे बतौड़ में ऐलान किया जी, और लिखित रूप में किया है, एक किस्म से पूरा आश्वासन दिया है कि एक तो जो जोड़ पे हमारे वो बना है, भवन बन रहा है उसका नाम महाराणा प्रताप, और चौक का बस स्टैंड पे विद मूर्ति के साथ
मूर्ति भी लगेगी बड़ी, वही महाराणा प्रताप के, उसके बाद हम गुप्ता जी से बात करेंगे। तो देखिए इनका जो मेन मकसद था, जो हमारा बात है, देखो ये भी भावुक हो रहे हैं लड़के, हाँ जो भी बात कर रहे हैं, पार्टी का कोई वो नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो ये, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम चौक का नाम रखेंगे भाई, तब कहाँ पे थे जब चौक तो अभी बना है सर, अच्छा चौक तो अभी बना है, बस स्टैंड तो अभी बना है ना, पुराना रुका पड़ा था, ये भी इसी के राज में बना है जी, गुप्ता जी के राज में ही बस स्टैंड का निर्माण, देखो आज वहाँ लड़कियाँ और सड़क पे खड़ी होती थी, आज वहाँ बैठने का तो मिल गया ना सर। तो चलो भाई यहाँ इन्होंने डिवाइडर बनाया है वहाँ से, वहाँ एक भी रास्ता बीच में नहीं छोड़ा, अब बुग्गी जो रेड़ा लेके आते हैं ना, हमको उधर से घुमा के लाना पड़ता है, इतनी ट्रैफिक होगी ना, डिवाइडर बनाया है, बहुत नुकसान, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज। अच्छा मुझे एक बात बताना, अच्छा एक बात मैं आप भी बताना, सबसे पूछना चाहता हूँ कि बरवाला क्षेत्र ना हम भी बचपन में देखे मक्खियों के लिए मशहूर था, क्या उसमें कोई फर्क पड़ा, ये बताना निष्पक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, कहां तक बात एक्चुअली देखिए मक्खियां आज से एक मिनट पहले, आज से तीन साल पहले जितनी मक्खियां थी सर, आज से तीन साल पहले जितनी मक्खियां थी, ये तो आप पूछ सकते हो, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मेरा घर यही है सामने, अब मेरे घर में जाके देखो जी कितनी मक्खियां हैं, मक्खियां होंगी तो घुसेंगी, जाके देखो सर वीडियो के साथ, कोई मक्खी नहीं है, जब हम सफाई नहीं रखेंगे तो मक्खियां तो आएंगी ना, जाके देखो एंट्री करो, झाड़ू भी नहीं लगी हुई, मक्खियां नहीं मिलेंगी आपको घर के अंदर, तो बताइए इस बात में कहां तक सच्चाई है सर, ये सच्चाई तो मतलब पहले साल जिस साल सरपंच जी बने यहाँ उस साल कोई मक्खी नहीं, बहुत स्प्रे करी, उससे बाद तो मक्खी कोई स्प्रे नहीं है, अभी मक्खी चलो मौसम अभी चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से थोड़ा मक्खी भी दो महीने पहले और ये मक्खी के कारण से ही पहले विधायक बने थे कि मैं मक्खी को भगाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, जी पहले साल चलो लोगों ने विश्वास का काम किया पहले साल, हम काम फिर ऐसे दिक्कत कहां पर आ गई, दिक्कत यहीं पे आ गई है कि जब इन्होंने अपना भेदभाव किया है। तो भाइयों बहनों आपने देखा, भाइयों बहनों आपने देखा कि यहाँ पर सभी कहते हैं कि अगर राजनीति देखनी है तो आप गांव के अंदर जाके देखें, चौपालों में देखें, तो यहाँ पर हमें बहुत बड़े मुद्दे देखने को मिले हैं, बहुत बड़े मुद्दे देखने को मिले हैं कि जिन जिनके मुद्दों के कारण जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट पाएंगे, कुछ बीजेपी को कह रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि लोकतंत्र एक त्योहार है, आप उस लोकतंत्र में वोट जरूर डालना, अपना मत का अधिकार जरूर करना जो आपको हिंदुस्तान के संविधान ने दिया है, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए, चंद्रमोहन जी आएंगे 10 से 10, इन्होंने कहे चंद्रमोहन जी आएंगे, हाँ जी हैं, उनको बने हुए आज 4 साल हो गए हैं, मेरे को कोई बता दे कि वो 4 साल में यहाँ कितनी बार आए हैं और कितनी बार उन्होंने यहाँ पे, अच्छा आए बेटे आओ, आ जाओ इनसे पूछ लो, हाँ क्या नाम है बेटा, आ गया बेटे, अभिषेक जी, अभिषेक आपका नाम ही बहुत अभिषेक है, अब किसका अभिषेक करोगे MLA का यहाँ पर, चंद्रमोहन का, चंद्रमोहन का, चंद्रमोहन का क्यों, ठीक है बंदा ठीक है, ठीक तो क्यों किस लिए, देखो हाँ सारा कुछ इसी ने बनाया जी, तहसील ऐलान कर रहे थे कि मैं हमने नहीं, आप एक भी आप तो ये कि चंद्रमोहन इनसे पूछ लूं बेटे, हैं आपसे बहुत बातचीत हो गई है, हाँ क्यों बेटे, क्यों तहसील भी बनाई है जी, कॉलेज भी सब कुछ इन्होंने बनवाया, अच्छा गांव कौन सा आपका, बरवाला, बरवाला, तो बरवाले में देखा कि इन्होंने अभिषेक से पूछा था आप किसका अभिषेक करोगे, तो अभिषेक ने कह दिया हम चंद्रमोहन जी का अभिषेक करेंगे, ये कहा, और हमारे बीच में एक और कड़ी जुड़ गए हैं, क्या नाम है आपका, मेरा मुकेश कुमार, मुकेश कुमार जी आपका गांव बरवाला जी, मुकेश कुमार जी पहले आगे आइए थोड़ा सा, अच्छा क्या यहाँ पर लगता है माहौल आपको, माहौल अच्छा जी, अच्छा माहौल जैसे आपके कैंडिडेट्स खड़े हैं यहाँ पर तो किसका लगता है वेव वगैरह आपको, चंद्रमोहन जी का जी, चंद्रमोहन जी का, चंद्रमोहन जी का क्यों, क्या करें, अच्छे काम किया जी उन्होंने यहाँ पहले, अच्छा हाँ अब भी करेंगे आगे भी करेंगे, अच्छा जो हमारी वोट है चंद्रमोहन जी को है, अच्छा तो कोई डेवलपमेंट, जो आप मौजूदा जो MLA हैं आपके यहाँ पर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनको आप 10 में से कितने नंबर दोगे, 10 में से 2-3 बस कमी है, अच्छा नहीं अक्सर ये कहते हैं सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है बरवाला के अंदर, तो आप बताइए कि जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं लोग उसको आप किस दृष्टि से देखते हो, काम तो किए जी उन्होंने, अच्छा काम किए हैं, अच्छा पर जातिवाद का ज्यादा कराया उन्होंने, अच्छा आप इन्होंने भी एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि काम किए लेकिन जातिवाद है, लेकिन जातिवाद का सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये सिस्टम अगर उल्टा पड़ गया तो यहाँ पर मुश्किल हो सकती है, ये बहुत बड़ी बात है, तो जातिवाद आपने कहा है वो किस क्या सोच के, आपका नाम क्या पहले बताइए, मुकेश कुमार, मुकेश कुमार कैसे लगा कि आपको कि जातिवाद हुआ, ये काम भी जातिवाद के हिसाब से हो रही है कि हमारी उसमें गलियों में कोई काम नहीं है, सफाई वाले राजपूत बरादरी से हूँ, हमारी गली में कोई सफाई का नहीं काम हुआ, कोई किसी से काम नहीं हुआ, और गली में सभी काम हो रहा है,
बाणी है कि यानी आप ये कह रहे हो कि विकास का कार्य हो रहे हैं लेकिन वो जाति के आधार पर हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। देखो भाई बहनों, हम आगे चलते हैं। नमस्कार, नमस्कार अंकल जी, आप आगे आइए पहले। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका बाबा जी? पाल सिंह जी। हाँ जी, पाल सिंह जी। हाँ जी, क्या नाम जी, दोबारा से बताइए। पाल सिंह जी। हाँ, पाल सिंह जी, आप इसी गांव से हो? हाँ जी। तो क्या लगता है यहाँ पर माहौल है जो इस वक्त? नहीं, यहाँ माहौल की तो इस तरह जी, यहाँ MLA ने जो है जी यो गंद पै दिया। हमारा इलेक्शन कोई वोट चाहे कहीं पाओ, पर इनने मतलब पार्टीबाजी कर दी जी गाँव में, ये गलत है। हाँ, तो आपने ये कहा है कि पार्टीबाजी हुई है। हाँ, वो पार्टीबाजी कैसे लगा कि आपको महसूस हुआ कि यहाँ पर पार्टीबाजी हुई है? यहाँ धर्मशाला बनाई थी जी, राजपूत धर्मशाला। अच्छा। महाराणा प्रताप उसका नाम रखा था जी, धर्मशाला का नाम, और वो उस वह इसने बदल दिया जी, सब कुछ जगह राजपूता ने दी जी। नहीं, पर उन्होंने ये भी कहा है, हमें हमारी इस बारे में बातचीत हुई है वहाँ पर, उन्होंने लोगों ने और कहा कि उन्होंने ज्ञानचंद जी ने एक चौक का नाम है वो कह रहे कि हम महाराणा प्रताप के नाम पर रखेंगे। यो तो सब बेली बातें जी। अच्छा। कोई यकीन नहीं है इसका। अच्छा। इवनी लोग इसका। तो आप अपने मौजूदा MLA को कितने नंबर दोगे? हैं जी, मौजूदा MLA जो 10 में से कितने नंबर दोगे? बात ही वाजी, यो तो पब्लिक बतावागी। नहीं नहीं, पब्लिक तो बताएगी, लेकिन आपकी एक अंतरात्मा होती है ना। हाँ, तो उसके हिसाब से कितने नंबर दोगे, निष्पक्ष होकर बताइए। ये बीजेपी वाले ने जी। वो बीजेपी वाले ने नहीं हुआ जी, तो कांग्रेस के नंबर ज्यादा। अच्छा, तो पाले राम जी ने ये कहा कि यहाँ पर कांग्रेस के नंबर ज्यादा हैं। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन मनदीप जी के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।